मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन जो कि जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज से है। तो हम लेते हैं पहले इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों का रुकावट होना, आंतों में रुकावट होना जो कई कारण से होते हैं जिनको हम अभी इस क्लास में देखते हैं। आगे पहले लेते हैं हम डेफिनेशन। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन is an interruption in the normal flow of intestinal content through इंटेस्टाइन, यानी जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन है वह क्या होता है, जो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, इंटेस्टाइन कंटेंट है, लोग लो में आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जाते हैं, पर अगर वो रुकते हैं किसी कारण से तो वो कंडीशन होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें कई कारण होते हैं। तो पहले हम एक पीपीटी द्वारा यानी एक डायग्राम के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि नॉर्मली जो है एब्डोमेन की स्ट्रक्चर होती क्या है, इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर होती क्या है। तो देखिए डायग्राम को आप, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेस्टाइन, जैसे कि मैं आपको इस स्ट्रक्चर के द्वारा कुछ नॉर्मली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे सब फर्स्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक देन स्टार्ट इट पाइलोरस पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, स्टोमक के पाइलोरस से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ड्यूडिनम जो है जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, उसके बाद जेजुनम 2 मीटर्स एंड नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ इलियम टू जो सिक्कम के अपर पार्ट्स ऑफ से ये सिक्कर जंक्शन में होता है, सिक्कम जंक्शन से जो है देन जुड़ा होता है कौन सा पार्ट्स ऑफ ट्रांस एसेंडिंग कॉलम्स देन ट्रांसवर्स कॉलम्स क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट जो होता है लास्ट में एंड सबसे जो लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट है वह है सिग्मोइड कॉलन, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के 50% ऑब्स्ट्रक्शन देखने को हमें मिलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स ऑफ ड्यूडिनम में हमें 85% ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, लास्ट पार्ट ऑफ इन टू रेक्टम या एनस से जुड़ा होता है। तो ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक टू इंटेस्टाइन देन रेक्टम लास्ट। जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन से जो नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियम पार्ट 85% हमें कंडीशन देखने को मिलती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड कॉलम फिफ्टीन परसेंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट्स पे और लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मोइड कॉलम पार्ट्स पे नई कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ध्यान देते हैं हम नेक्स्ट कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। दो प्रकार से होते हैं, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। तो पहले लेते हैं मैकेनिकल पे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है कार्सिनोमा यानी कोई न्यूरोप्लाज्मिक सेल्स का बढ़ने के कारण मैटिसिक सेल्स का बढ़ना कार्सिनोमा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंड हर्निया मीन्स प्रोट्रैक्शन
यानी इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन होना हर्निया कहलाता है। थर्ड कौन है, फिकल इंफेक्टेशन, यानी जो स्टूल से या फिकल वगैरह है वह काफी हार्ड होता है जिसके कारण से कोलन में जम जाते हैं, जिसके कारण से इंटरस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन डेवलप होती है। और वॉल्वुलस यानी ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन या गट, इंटेस्टाइन का ट्विस्ट होना जो है वॉल्वुलस कंडीशन कहलाती है, तमतीस ये भी होता है। और देते हैं जो नेक्स्ट कंडीशन जो मोस्ट कॉमनली एडल्ट में देखने को मिलती है कंडीशन एडिशन, एडिशन बन गए इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन ऑपरचुनिटी डेवलप हो गई। नेक्स्ट इनटू ससेप्शन, ये मोस्ट कॉमनली 3 to 9 months बच्चों में देखने को मिलती है कंडीशन, ये एडल्ट में देखने को मिलती है, ये 3 to 9 months बच्चों में। इंटरसेप्शन में क्या होता है, मींस क्या होता है इसका, टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट द अनदर पार्ट, यानी टेलीस्कोपिंग का मतलब होता है कि एक टेलीस्कोप होता है ना, इसके अंदर ये टेलीस्कोपिंग है, एक से एक अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेलीस्कोप फिक्स होता है। उसी तरह से इंटरसेप्शन कंडीशन में होता है कि इंटरसेप्शन एक दूसरे के अंदर धस जाती है, अगर हिंदी लैंग्वेज में धस जाती है तो उस कंडीशन को हम इंटरसेप्शन कंडीशन कहते हैं, जो कि नॉर्मली 3 to 9 months बच्चों में देखने को मिलती है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है इंटरसेप्शन कंडीशन, देखिए आप इस पिक्चर को, नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल में फर्स्ट है पैरालाइटिक इलियस, दूसरा वैस्कुलर डिस्ट्रैक्शन, तो ये दो कंडीशन है। पैरालाइटिक इलियस मतलब ये कि जो जो पैरालाइटिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो अरेस्ट खत्म हो जाते हैं, इस कारण से तो कहते हैं पैरालाइटिक इलियस और वैस्कुलर डिस्ट्रक्शन, यानी वैस्कुलर की कमी डिस्ट्रक्शन होना जो इंटेस्टाइन ऑपरेशन के लिए रेस्पॉन्स होते हैं। इसके अलावा जो कॉन्जेनिटल रीजन भी होते हैं, जैसे कि अट्रेशिया कंडीशन इंटेस्टाइन्स में, या मालवर्सन गट है, या मेकोनियम सिंड्रोम है, या मेकोनियम इलियस है, या इंस्परेंट डिजीज है, जो कि हम पहले वाली क्लास में देख चुके हैं, तो ये कंडीशंस भी होती है इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण रेस्पॉन्सिबल। तो अब लेते हैं हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, पैथोफिजियोलॉजी में हम लेते हैं पहले, जैसे कि इटियोलॉजिकल फैक्टर है, फैक्टर जैसे मैंने बता दिया आपको उसमें क्या होगा, जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर का काम क्या होगा, इंटेस्टाइन कंटेंट फ्लूइड जैसे कि गैस एक्युमुलेटेड है इन इंटेस्टाइन के अंदर वे बड़े, जिसके कारण से क्या होगा इंक्रीज डिस्टेंशन प्रेशर इन इंटेस्टाइन, जो एब्डोमिनल प्रेशर या जो प्रेशर है वे इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा जो वेनस प्रेशर है, जो वेनोवेटर प्रेशर और आर्टरियल कैपिलरी प्रेशर है वे डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से क्या कंडीशन होगी एडिमा कंजेक्शन एंड परफोरेशन कंडीशन डेवलप होगी। ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब लेते हैं हम इसका थोड़ी इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्पटम, पहला है कार्डिनल जो सिम्पटम है पेन, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग,
इरेक्टिबिलिटी टू पास ऑफ लेटेंस लेटेंस का पास करने में कठिनाई। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ये कंडीशन हमें एब्डोमिनल इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। तो ये हैं इसके सिम्टम। पहला है पेन, वोमिटिंग, डिस्टेंशन, मैलेज, इरेक्टिविटी ऑफ लेटेंस लेटस के पास कठिनाई एंड कॉन्स्टिपेशन। अब लेते हैं इसमें डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में पहला है यूएजी, यूएजी करते हैं, उसके बाद एक्सरे, देन एंडोस्कोपी, लोकेशन देखने के लिए कहाँ पे हो, इंटेस्टाइनल फंक्शन हो रखा है, देन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इंटेस्टाइनल फंक्शन में वोमिटिंग होती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रही है, इसके कारण से सोडियम पोटेशियम को देखने के लिए कंडीशन को देखने के लिए फिट है ए बी। ए बी जो फाइंडिंग करते हैं इसमें मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज को देखेंगे। मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज कौन कौन सी होती है, एक तो होती है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, सॉरी एसिडोसिस और एल्कोप्रोसिस। ये कंडीशन देखने के लिए हमें ए बी सी आर टी ब्लड गैस एनालिसिस कंडीशन सॉरी डायग्नोसिस तौर पर हम करते हैं। तो ये फिफ्थ जो है डायग्नोसिस स्टेप है, पहला यू एस जी एक्सरे, एंडोस्कोपी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ए बी सी। देन लेते हैं नेक्स्ट हम मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव। जैसे कि हर क्लास में है एनपीओ, नेल पर माउंट, मुंह से कुछ भी लेना, आई वी फ्लूस टू प्रिवेंट कंडीशन, क्योंकि वॉमिटिंग्स होती है उस कंडीशन में डिहाइड्रेट हो सकता है, इस कंडीशन के लिए आई फ्लूस कंटिन्यू रखना है। देन इनटेक आउटपुट, इनटेक आउटपुट भी हमें ऑब्जर्व करना है। देन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से क्या होता है, ये एब्डोमिनिस्ट्रेशन एंड गैस्ट्रिक जो प्लेस है उसको एब्डोमेन से बाहर निकाले कार्य करती है, जिसके लिए एंटी ट्यूब का इंसर्ट करना कंपलसरी है। 12 एफ आर नंबर की नॉर्मली करते हैं, जैसे नॉर्मली एडल्ट में 15 नंबर सॉरी 14 नंबर जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। अब जैसे हम इसमें सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर में मोस्ट नॉर्मली अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है कि इंटेस्टाइनल फंक्शन किस प्रकार का है उसके अकॉर्डिंग सर्जरी होती है। जैसे मोस्ट नॉर्मली एनास्टोमोसिस, देन लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव में पेरिनेटल न्यूट्रिशन, अंटिल द लेटर पास, अगर लेटर पास हुई है तब हम पेरिनेटल से लिक्विड डाइट में स्टार्ट कर सकते हैं। देन आई वी, सेमी पाउडर पोजिशन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं या पाउडर पोजिशन। बिकॉज इसका एक रीजन है क्योंकि ये जैसे एब्डोमिनल डिस्ट्रेशन पड़ता है तो डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है,
तो सेमी पोलर फेवरी पोलर या पोलर पोजिशन देके हम उसको डिसेशन कम करते हैं और जिससे क्या है कि डायग्राम पे कोई प्रेशर ना पड़े जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना, इसलिए कंडीशन में हम सेमी पोलर पोजिशन या पोलर पोजिशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट जो भी एंटीबायोटिक होती है वो इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसी हिसाब में जो है हमारा जो टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे दूसरा टॉपिक। थैंक यू एवरीबॉडी।